दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ना, ग्लेशियर्स पिघलना और हर दिन नई नई बीमारियों का पलना, इन सबको देखते हुए हमें साइंटिस्टों का मानना है 2030 तक दुनिया का हाल कुछ ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसा होगा दुनिया का अंत और किन किन चीज़ों से हो सकता है दुनिया का अंत। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रेश कुमार है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। नंबर एक है मशीन्स। आज से करीबन 10 साल बाद की दुनिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगी। हो सकता है कि मशीन्स इंसानों पर हावी होने लगे, जिनसे इंसानों को मशीनों की गुलामी करनी पड़ेगी, जिससे इंसानों का अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। नंबर दो है हमारा पॉल्यूशन। दुनिया में लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज है, जिनसे निकलने वाला धुआं आपके हर दिन फेफड़ों में छेद करते जा रहा है, जिससे आपको अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इंसानों को नहीं, और भी जीव जंतुओं को इसका सामना करना पड़ेगा, जिससे कि पृथ्वी का अंत बड़े ही जल्दी होगा। नंबर तीन है पॉलीथीन। कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम को मिलाकर पॉलीथीन बनता है। भारत में लगभग 1000 से भी ज़्यादा गायें मरते जा रही है पॉलीथीन की वजह से, क्योंकि वो पॉलीथीन निगल ले रही है, जिनसे उसके डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, जिनसे उसकी मौत हो जा रही है। सिर्फ गायों के नहीं, और भी कई जानवरों को पॉलीथीन से नुकसान हो रहा है, और गंगा नदी हर दिन गंदी होते जा रही है। गंगा ही नहीं, और भी कई नदियाँ हैं जो हर दिन गंदी होते जा रही है। ऐसे तो इंसानों के पीने लायक पानी नहीं बचेगा, जिससे कि पृथ्वी का दर्दनाक अंत होगा। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि हमारी हंसी खुशी फैमिली गुजरे इस पृथ्वी में ही। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब मारें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।